मनीषा रानी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने फर्स्ट से अर्थ तक का सफर तय किया है। आज मनीषा लग्जरी लाइफस्टाइल जीती है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में दिखाई देने के बाद मनीषा ने झलक दिखलाजा 11 में धनश्री वर्मा, शोहेब इब्राहिम, अदेजा सिन्हा और श्री रामचंद्र को कड़ी टक्कर देने के बाद डांस रियलिटी शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। वहीं अब अपने हालिया ब्लॉग में मनीषा रानी ने खुलासा किया कि उन्हें झलक दिखलाजा 11 से अपनी जीत की रकम नहीं मिली है। ब्लॉग में मनीषा को अपने दोस्त महेश केशवाला, जो ठगेश के नाम से फेमस हैं, के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। दोनों ने मजाक में चाय की दुकान खोलने का फैसला किया और मनीषा ने कहा कि ठगेश इस दुकान को चलाएगा। तब ठगेश मनीषा से कहते हैं कि उन्होंने झलक दिखलाजा 11 जीता है और उन्हें ही दुकान खोलनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए मनीषा ने कहा, झलक की जीत की रकम अभी तक नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा, आधा काट लेंगे वो लोग। इसके बाद मनीषा ने कुछ चुटकुले सुनाए कि जब लोगों के पास एक अमीर साथी होता है तो वे कैसे अमीर हो जाते हैं। बता दें कि झलक दिखलाजा 11 में मनीषा रानी ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर एंट्री ली थी। अपने बैक टू बैक बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से वह सीजन की विनर बनी और उन्होंने प्राइज मनी के रूप में 30 लाख जीते। झलक दिखलाजा 11 को फराह खान, मलाइका अरोड़ा और अरशद वाशी ने जज किया था। मनीषा रानी की तो झलक दिखलाजा 11 में अपने डांस और बेहतरीन परफॉर्मेंस से मनीषा ने दर्शकों के साथ साथ जज को भी काफी इम्प्रेस किया था। मनीषा ने इस शो में एंटरटेनमेंट का भी तड़का लगाया था। डांस रियलिटी शो से पहले मनीषा बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आ चुकी हैं। मनीषा की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।